दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत ही महान ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि भृगु। महर्षि भृगु की महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा रचित भृगु संहिता आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। भृगु संहिता की मदद से किसी भी इंसान का 3 जन्मों का फल निकाला जा सकता है। साथ ही ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि नक्षत्रों की इस ग्रंथ के माध्यम से गणना की जाती है। परंतु आज हम महर्षि भृगु के जीवन काल से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताने वाले हैं जो महर्षि भृगु और त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश से संबंधित है। दोस्तों, पुराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि भृगु ने गुस्से में भगवान विष्णु के छाती पर अपने पैरों से लात मार दी थी। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया और उनको इतना बड़ा पाप आखिर करना ही क्यों पड़ा, यह आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। श्री पद पुराण में संहार खंड में वर्णित कथा के अनुसार मदरांचल पर्वत पर हो रहे यज्ञ में ऋषि मुनियों में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि त्रिदेव यानी भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और भगवान महेश में से सबसे श्रेष्ठ देव कौन है। इस विवाद के अंत में यह निष्कर्ष निकला कि जो देव सत्व गुणी होंगे वही श्रेष्ठ कहलाएंगे। इस काम के लिए भृगु ऋषि को नियुक्त किया गया। त्रिदेव की परीक्षा लेने के लिए क्रम में भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे और वहां जाकर वह बिना कारण ही ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए कि आप सभी ने मेरा अनादर किया है। यह देख ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तुम अपने पिता से ही आदर की आशा रखते हो। भृगु, तुम कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो जाओ, तुम्हें अपनों से बड़ों का आदर करना नहीं भूलना चाहिए। इस पर भृगु ऋषि ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, लेकिन आप क्रोधित हो गए। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि आपको क्रोध आता है या नहीं। इसके बाद भृगु ऋषि महादेव की परीक्षा लेने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। कैलाश पर्वत में पहुंचकर भृगु ऋषि को पता चला कि भगवान शिव अपने ध्यान में लीन है। उन्होंने नंदी से कहा कि जाओ, मेरे आने की सूचना भगवान शिव को दो। नंदी ने कहा, महर्षि, मैं ऐसा नहीं कर सकता, भगवान शिव क्रोधित ना हो जाएं। इस पर भृगु ऋषि स्वयं उसी स्थल पर चले गए जहां भगवान शिव ध्यान कर रहे थे। वहां पहुंचकर महर्षि भृगु शिव का आह्वान करने लगे और बोले, कैलाश हो या कहीं भी, ऋषि मुनियों के लिए तो आपका द्वार सदैव खुला रहता है। महर्षि भृगु की आवाज से भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और वे गुस्से में आ गए। भगवान शिव ने कहा, भृगु, तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ तक ले आई, आज तुम्हारी मौत निश्चित है, मैं अभी तुम्हें भस्म कर दूंगा। तभी वहां माता पार्वती आ गई और भगवान शिव से भृगु ऋषि के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। माता पार्वती ने भगवान शिव को यह भी बताया कि इसमें भृगु ऋषि की कोई गलती नहीं है, वह तो बस पृथ्वी के सभी ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। यह सब जानकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और फिर उन्होंने भृगु ऋषि को बताया कि क्रोध तो मेरा स्थायी भाव है। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके धाम बैकुंठ पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में लेटे हुए थे। भृगु ऋषि को लगा कि उन्हें आता देख जानबूझकर भगवान विष्णु सोने का नाटक कर रहे हैं। तब उन्होंने गुस्से से अपने पैरों से भगवान विष्णु की छाती पर जोर से लात मार दी। भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई। भगवान श्री हरि विष्णु उड़ते ही महर्षि भृगु के पैर पकड़ लिए और कहा, महर्षि, आपके पैरों को कहीं कोई चोट तो नहीं लगी। महर्षि भृगु यह देखकर लज्जित हुए और प्रसन्न भी। इसके बाद महर्षि भृगु ने भगवान श्री हरि विष्णु को त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ सत्वगुणी घोषित कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको भी महर्षि भृगु की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।